सियासत की जमीन पर बीजेपी के जमते पांव देखकर विपक्षी दल सकते में है। शायद यही वजह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद गैर बीजेपी दलों ने महागठबंधन बनाने की कवायद तेज कर दी है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली जाकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों में क्या बातचीत हुई इसका खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों के बीच भविष्य के गठबंधन की संभावना पर चर्चा हुई। खबर के मुताबिक अखिलेश कुछ दिन पहले भी दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद वे नीतीश कुमार समेत कुछ और नेताओं से भी मिले। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सभी को मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले एक नया अलायंस तैयार किया जाएगा। हालांकि इस गठबंधन के बनने में कई पेच हैं, जिसे दूर करना तमाम पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो सभी को अपने नेता पर असहमति बनानी होगी। इसके बाद महागठबंधन में मायावती की भूमिका क्या होगी, ये भी काफी अहमियत रखती है। हालांकि मायावती इस गठबंधन में शामिल होती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है, उससे विरोधियों को एहसास हो गया है कि अपने दम पर बीजेपी और मोदी से मुकाबला करना उनके लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि विरोधी दलों की महागठबंधन बनाने की कोशिशें कहां तक रंग लाती हैं। इंडिया न्यूज़ वायलेंट की रिपोर्ट।